हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिवर और उनके किनारे बसे शहर। जैसा कि आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शहर होते हैं वो पूछे जाते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे है। जैसे कि पूछा जाता है गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, यमुना नदी के किनारे कई सारे शहर हैं जो इम्पोर्टेंट सिटी है। वैसे तो बहुत सारे शहर हैं नदियों के किनारे, पर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, तो जैसे गुजरात में कई सारे से अहमदाबाद है या फिर कन्नौज शहर है, तो यहाँ की कुछ स्पेशलिटी है ना। मथुरा है तो यहाँ की कुछ स्पेशलिटी है ना, तो इसलिए जो स्पेशलिटी जो उनकी शहरों की है तो वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लास में ही रिवाइज भी हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। बस आपको साथ साथ में नोट्स बनाना है और उनको एक दो बार आप रिवाइज कर लेना और याद हो जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं नदियों के किनारे बसे शहर, सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो इस साइड जो है वो हमने सिटी को लिखा हुआ है और इस साइड जो है वो हमने रिवर को लिखा हुआ है। पहली सिटी आती है, इसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। किसके किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक शहर है और यूपी की राजधानी भी कहाँ है? लखनऊ है। तो ये कहाँ पे है? ये गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ पे है? तो ये गंगा और यमुना, मतलब कि प्रयागराज शहर में गंगा और यमुना जो है दोनों ही मिलती है, तो इसलिए ये कहाँ पर है? गंगा और यमुना जब दोनों मिलती है तो क्या कहें? गंगा और यमुना दोनों के किनारे है, ठीक है ना। तो प्रयागराज। अगला आता है सिटी कन्नौज। कन्नौज क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यूपी का शहर है। ये कहाँ पे है? तो ये गंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे है कन्नौज। नेक्स्ट आता है कानपुर। कानपुर भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। और जो कानपुर है, कई सारे लोग जो है वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? कानपुर जाते हैं। नेक्स्ट आता है वाराणसी। तो वाराणसी जो है वो भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है और बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे जो तीर्थ यात्रा वाले जो लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वाराणसी जाते हैं। नेक्स्ट आता है जौनपुर। जौनपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है। कहाँ पे है? ये गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है जौनपुर। अगला शहर आता है मथुरा, ठीक है। भगवान कृष्ण के लिए ये फेमस है ना। तो मथुरा जो है ये कहाँ पर है? तो ये है यमुना नदी के किनारे। कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। आगरा कहाँ पर है? तो आगरा जो है ये भी कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कहाँ पर है? तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, कुछ जो हमारी सिटी की है, सबकी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लिया गोरखपुर है, तो गोरखपुर को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? गोरखपुर से याद रखिएगा, गोरे जो गोरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तापते नहीं है। गोरे लोग जो है वो तापते नहीं है। उन्हें लगता है अगर हम तापेंगे, तापने का मतलब है जैसे सर्दियों में हम हाथ वगैरह सेंकते हैं ना आग से, तो वो कहते हैं, गोरे लोग मानते हैं कि हम नहीं तापेंगे क्योंकि हम कैसे हो जाएंगे? काले हो जाएंगे, हमें गोरा ही रहना है। तो क्या हो जाएगा? गोरे लोग जो है वो तापते नहीं है। तो गोरखपुर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको याद करें तो क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी, गोमती से हमें क्या याद आ रहा है? एक तो गोमती है, ऊपर से नदी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर नदी में क्या करते हैं? गोताखोर जो है वो गोता लगाते हैं, और गोता लगा के क्या करते हैं? लाखों रुपए नीचे से निकाल के लाते हैं। क्या करते हैं? लाखों रुपए नीचे से निकाल के लाते हैं। कई सारे लोग जो है वो नदी में रुपए डालते हैं ना, तो गोताखोर क्या कर रहा है कि बहुत सारे लाखों रुपए लेके आ रहा है। तो लाखों से ध्यान में रखना है आपको, लखनऊ, लाखों से लखनऊ, और लाखों रुपए कहाँ से ले करके ले आ रहा है? गोता लगा के। गोता मतलब कि गोमती नदी से, ठीक है ना। प्रयागराज कहाँ पे है? गंगा और यमुना दोनों जहाँ कनेक्ट करती हैं वहां पे क्या है? प्रयागराज में। नेक्स्ट होता है कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। कानपुर कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। वाराणसी कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। तो ये कन्नौज, कानपुर और वाराणसी तीनों ही जो शहर है वो कहाँ है? गंगा नदी के किनारे हैं।
नेक्स्ट आता है जौनपुर। जौनपुर कहाँ पे है? तो ये गोमती नदी के किनारे। कैसे ध्यान में रखना है? जौन से याद रखिएगा आप, जोंक। जोंक जो होता है वो एक समझ लीजिएगा एक जीव होता है छोटा सा, है ना। तो जोंक से याद रखिएगा कि जोंक जो होते हैं अक्सर पानी में देखने को मिलती है। आपने सुना होगा जो चावल की खेती होती है, जब चावल लगाते हैं मतलब उसकी जब पौध लगाते हैं तो उसमें कई सारी ये जोंक हमें देखने को मिलती है। तो पानी में ही क्या होती है? जोंक होती है। जब पानी में जोंक है तो पानी कहाँ मिलेगा? गोताखोर। जब गोता किस में लगाएंगे? पानी में ही लगाएंगे, तभी तो लाखों रुपए लेकर आएंगे। जब लाखों रुपए लेके कैसे आएंगे? तो लाखों रुपए से याद किया था हमने लखनऊ। तो गोमती, गोताखोर, लाखों रुपए और हमें क्या मिलता है? पानी में जोंक मिलती है। तो जोंक कहाँ मिलेगी? गोताखोर मतलब गोमती नदी। तो याद रखिएगा कि जौनपुर जो है मतलब इसको जोंक से याद रखिएगा, कहाँ पे है? गोमती नदी के किनारे है। मथुरा, मथुरा कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे। तो तीन शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा तीनों ही क्या है? यमुना नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे हैं, ठीक है। आगरा आप सब जानते हैं ताजमहल के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे है। अब हम आगे बात करते हैं अयोध्या की। तो हमें पता है कि अयोध्या जो है वो किसके लिए? भगवान राम के लिए है ना, भगवान राम वहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के जब रामायण वगैरह हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें सरयू नदी जो है वो देखने को मिलती है। तो अयोध्या कहाँ पे है? सरयू नदी के किनारे है। नई दिल्ली कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे है। नई दिल्ली कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे। अभी हमने पढ़ा हरिद्वार क्या हो जाएगा? हरिद्वार कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। जैसे उत्तराखंड हरिद्वार जाते हैं ना, तो कैसे ध्यान में रखना है? हरिद्वार। जैसे ही हम कहाँ जाते हैं? गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? हर हर गंगे कहते हैं ना, जब नहाते हैं तो कहते हैं हर हर गंगे। तो हर हर गंगे हरिद्वार कहाँ पे है? गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है ना। तो हरिद्वार कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है। वही बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ कहाँ पे है? तो बद्रीनाथ में जो है वो गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती है, तीनों नदियां कनेक्ट करती हैं। तो वहां पर जो है, वहां पे जो शहर है बसा हुआ उसको कहते हैं हम बद्रीनाथ, ठीक है ना। अगला आता है कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता वेस्ट बंगाल का एक शहर है। कहाँ पे है? हुगली नदी के किनारे। अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। कहाँ पे है? साबरमती नदी के किनारे। कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे। और साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम भी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से चीजों को रिलेट करके पढ़िएगा। तो अहमदाबाद कहाँ पे है? साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ क्या है? तो आसाम का एक शहर है, आसाम का शहर है डिब्रूगढ़। कहाँ पे है ये? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। एक होता है गुवाहाटी, क्या हो जाएगा? असम। गुवाहाटी असम में ही है। गुवाहाटी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो असम के दो शहर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट आता है जबलपुर। जबलपुर किसका शहर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर। कौन सी नदी किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे क्या है? जबलपुर है। नेक्स्ट आता है पटना। बिहार का पटना कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है। बिहार का पटना कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे है। और सूरत, सूरत कहाँ पे है? तो ये सूरत भी कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे है। अब कैसे ध्यान में हमें रखना है? देखिए सूरत, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो गोरे लोग होते हैं वो तापते नहीं है। वो इसीलिए नहीं तापते हैं कि उनकी सूरत कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। उनकी सूरत कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। तो गोरे लोग तापेंगे नहीं क्योंकि उनकी सूरत काली हो जाएगी। इसलिए जो सूरत है वो किससे रिलेट कर रहा है? कि गोरे लोग जो तापेंगे नहीं। तो दोनों ही किससे हैं? ताप्ती नदी से, ठीक है ना। तो गोरखपुर और सूरत जो है वो दोनों ही ताप्ती नदी के किनारे के शहर है। सूरत कहाँ का है? ये गुजरात का है, ठीक है ना। क्लियर हो गई होंगी चीजें, एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। तो यहाँ पे अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे। नई दिल्ली, यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार, गंगा के किनारे। बद्रीनाथ वो शहर जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों ही कनेक्ट करती है। कोलकाता वेस्ट बंगाल का, हुगली नदी के किनारे। अहमदाबाद गुजरात का, साबरमती नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ असम का, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी असम का, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश का कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। पटना बिहार, पटना बिहार कहाँ पे है? ये गंगा नदी के किनारे। और सूरत गुजरात का, सूरत कहाँ पे है? ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है ना।
तो हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट सिटी थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इनके नोट्स बनाएं और उनको रिवाइज भी करें। सिर्फ वीडियो देख के जो है चीज़ें आपको याद लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगी, नोट्स बनाएं उनको डेली बाई डेली, जैसे आप जब क्लास देखते हैं एक बार तब रिवाइज करें, सेकेंड डे रिवाइज करें और उसके 7 दिन बाद, 7 दिन बाद इस तरीके से आप इनको रिवाइज कीजिएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।